सुप्रभातम। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा सिक्स का संस्कृत के व्याकरण का प्रकरण जो है वह है शब्द प्रयोग भाग दो। इसी प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंदर जो वाक्य बनाए का निर्माण किया था, वाक्य बनाए थे, वे थे पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग करके हमने वाक्यों का निर्माण किया था कि क्रियाओं के साथ में पुल्लिंग शब्दों का किस प्रकार से कैसे उनके वचनों के आधार पर प्रयोग करते हैं, इनके बारे में हमने कुछ पढ़ा था। तो हम उन्हीं के आगे पुल्लिंग शब्दों के आगे अभी पढ़ने जा रहे हैं स्त्रीलिंग शब्दों का वचन प्रयोग। तो देखें स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं, स्त्रीलिंग क्या है, इनके बारे में भी हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था। तो देखें इन शब्दों का वचन के अंदर प्रयोग कैसे है, यानी कि ये शब्दों का वचन में प्रयोग एक वचन द्विवचन और बहुवचन में हम इनका प्रयोग किस प्रकार से कैसे करते हैं। तो देखिए स्त्रीलिंग शब्द है हमारे सामने बालिका। अब उन बालिका में संख्या एक है तब क्या होगा एक वचन, और उनको हम द्विवचन में यानी बालिकाओं की संख्या दो बताने के लिए द्विवचन का प्रयोग करेंगे, तभी इस बालिका का क्या हो जाएगा बालिकी। और इसी बालिका को अपन बहुवचन में बताएंगे कि दो से अधिक की संख्या में हमें बताना है तब इन बालिका को क्या कहेंगे बालिका। यानी कि एक वचन में और द्विवचन का रूप बनाने में केवल पीछे क्या लग रहा है विशेषक लग रहा है, बालिका बालिके बालिका, एक वचन द्विवचन बहुवचन, यानी कि एक वचन से एक संख्या का बोध हो रहा है, द्विवचन से दो संख्याओं का बोध हो रहा है, बहुवचन से दो संख्याओं से अधिक की संख्याओं का बोध होता है। तो यह हो गया बालिका बालिकी बालिका, ये हमने क्या क्या वचनों के आधार पर इनका प्रयोग है वह इस प्रकार से किया जाता है। तो देखें अजा शब्द है, अजा का द्विवचन क्या बनेगा अजे, बहुवचन बन जाएगा अजाह। महिला है, महिला का द्विवचन क्या हो गया महिले, बहुवचन क्या होगा महिला। गायिका क्या हो गया एक वचन गायिका, द्विवचन में गायकी, बहुवचन में क्या हो गया गायिका। एक वचन में क्या हो गया शिक्षिका, द्विवचन में शिक्षिके, बहुवचन में शिक्षिका। देखें शब्दों में बालिका बालिकी बालिका, अजा अजे अजा, महिला महिले महिला, गायिका गायके गायिका, शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिका। अब देखें अब हम जो आगे पढ़ते हैं क्रियाएं, तो क्रिया का प्रयोग, इन क्रिया का पढ़ना, क्रिया का जो प्रयोग है वह भी एक वचन द्विवचन और बहुवचन के आधार पर हो रहा है। खेल भी यानी खेल रहा है, आगे वाले की संख्या कितनी हो सकती है एक, खेलता यानी खेल रहा है लेकिन उनकी संख्या कितनी हो सकती है दो, खेलंती यानी कि जो खेलने वालों की संख्या है वो कितनी हो सकती है दो से अधिक, खेलती खेलता खेलंती। इसी प्रकार पीबती पीबता पीबंती, पचती पचता पचंते जिसका अर्थ है पकाना, गायती गायता गायंती जिसका अर्थ है गाना, लिखती लिखता लिखंती लिखना। यानी कि एक संख्या और दो संख्याओं का बोध हो रहा है, दो से अधिक की संख्याओं का बोध हो रहा है। तो देखिए अब हम इन स्त्रीलिंग शब्दों का क्रिया के साथ में इस प्रकार से कैसे प्रयोग करेंगे तब हमारे क्या बनेंगे वाक्य बनेंगे। हम क्या करते हैं वाक्यों का प्रयोग अर्थात वाक्य का निर्माण वाक्यों को बनाना उस प्रकार से आते हैं। देखिए तो हम सबसे पहले जो शब्द है बालिका, अपन लेते हैं यहाँ पर बालिका। देखिए प्रयास करना बालिका बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, हमने कहा से लिया है एक वचन स्त्रीलिंग बालिका, तो इसकी क्रिया भी कहाँ से लेंगे यहाँ से एक वचन के अंदर अपन कोई भी क्रिया है वो यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पर खेलती,
बालिका खेलती, क्या क्या होगा, एक बालिका क्या कर रही है, खेल रही है। दूसरा देखें बालिकी, तो यहाँ पर ले रहा हूँ दूसरा वाक्य बना रहा हूँ बालिकी, दो बालिकाएं क्या कर रही है, जो अपनी क्रिया शब्द है द्विवचन का लिया तो उसकी क्रिया भी कहाँ से लेंगे, द्विवचन से, तो क्या होगा खेलता बालिकी खेलता, दो बालिकाएं खेल रही। देखें इसी प्रकार बालिका बहुवचन लेंगे, बालिका बालिका क्या है द्विवचन, द्विवचन और बहुवचन, बालिका का बहुवचन होने पर क्या है क्रिया बहुवचन की, तो क्या है खेलती। देखा देखें अगला मैं बताऊ अजा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है अजा, इसका बकरी क्रिया भी एक वचन में क्या आएगा पीती, तो बकरी क्या कर रही है पी रही है, पीती बकरी पी रही है। अब देखें अजा के बाद दूसरा जगह क्या आ रहा है, अजा के आगे अजी, यानी कि बकरी की संख्या कितनी है द्विवचन के अंदर दो, अजी अजी पीबतहा, अजी पीबतहा। अगला देखें क्या है अजा बहुवचन, अजा क्या हो जाएगा पीबंती, इसका बहुवचन अजा पीबंती। इसी प्रकार देखें साथी क्रिया जो है महिला, महिला महिला एक विचार है क्या आएगा, एक विचार महिला पचती, पचती का मतलब क्या है पकाना, महिला क्या कर रही है पका रही है, महिला पचती। अब देखिए अगला डी विचार है क्या हो जाएगा महिले, महिले जब बहुवचन में क्या होगा महिला, महिला पचंती, महिलाएं क्या कर रही हैं पका रही हैं। तो इस प्रकार से हमने जो वाक्य बनाए, जो हम जो कार्य को करने वाला करता है मतलब शब्द है, जो हम जहां से देंगे क्रिया भी हमें उन्हीं वचन की लेनी होगी। तो देखें बालिका एक वचन है, खेती एक वचन है, तो बालिका खेती। इसी प्रकार हमने क्या किया क्रियाओं का प्रयोग किया है। तो देखिए पहला हमने क्या वाक्य बनाया बालिका खेती, दूसरा बालिकी खेला, बालिका खेलंती, अजा पीबती, अजे पीबत, अजा पीबंती, महिला पचती, महिले पचतहा, महिला पचंती। तो ये अपन ने क्या बनाए वाक्य बनाए। तो इसी प्रकार वाक्य जो है आगे हम और बना सकते हैं, यानी कि शब्दों को क्या कर सकते हैं बदल सकते हैं, और शब्दों के साथ साथ क्रियाओं को बदल करके भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने आप जो भी लिखा है वो कर्म से लिखा है, यानी कि कर्म से नहीं लिख करके हम इधर उधर भी पहले एक वचन ले सकते हैं, बाद में बहुवचन ले सकते हैं, पहले द्विवचन ले सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो जहां से शब्द ले रहे हैं, जो वचन का ले रहे हैं, क्रिया भी उसी वचन की हमें लेनी होगी। इन बात का हमें मुख्य क्या रखना पड़ेगा ध्यान। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है, इन सारे पहले सारे शब्द जो लिखा है क्रिया प्रयोग वचन प्रयोग और वाक्य प्रयोग पूरा पूरा टॉपिक के अंदर लिखना है, और लिख करके जो जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर वाक्य बनाए हैं उनके आगे जो है आपको ये वाक्य बनाना है। गायिका से लगा करके शिक्षिका तक अपनी होमवर्क की कॉपी के अंदर क्या कहेंगे आप वाक्य निर्माण,
वाक्य बनाने में कितना हो गए 10 है। होमवर्क के अंदर वाक्यों का निर्माण करना 10 वाक्य आपको बनाने हैं और इनको आपको क्या करना है याद रखना है, करने की जरूरत है, इसको आपको केवल और केवल क्या करना है समझना है। आप लोग समझेंगे बालिका बालिकी बालिका ये क्या किया था आपके सामने सारे याद है वो क्या हो शब्द ही हो जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शब्द है वह अकारांत कौन कौन से हैं, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। तो क्रियाएं क्रियंती क्रियत क्रियंती क्रियंती क्रियंत क्रियंती पचती पचत पचंती गायती गायत्र गायंती लिखती लिखता लिखंती ये सारी क्या होगी क्रियाएं। इन प्रकार और भी क्रियाएं हैं उनके आगे ऐड कर सकते हैं जोड़ सकते हैं और इनमें भी है और भी स्त्रीलिंग के शब्द हैं उनको जोड़ करके हम जो है इनके अनुसार और भी वाक्यों को बना सकते हैं वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। तो हम आज अपने वाक्य जो आपको दिए हैं आप पढ़ोगे और हमें आप सुनते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो आज जरूर लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने कॉपी के अंदर बढ़िया तरीके से सुंदर लाइब्रेरी में लिखें। इसी के साथ में धन्यवाद मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर।